शिखर धवन अब 3 हफ्ते के लिए वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। शिखर धवन के अंगूठे में, बाएं हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर है जिसके चलते वो बाहर हो गए हैं। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप खेलते वक्त शिखर धवन जब बैटिंग कर रहे थे तब नाइल की गेंद उनके हाथ में लगी और उसके बाद वो काफ़ी देर तक परेशान रहे। अनइवन एकदम बाउंस था, एकदम से गेंद ऊपर आती हुई उनको लगी और उसके बाद से शिखर धवन का यह हाल हो गया कि वो फील्डिंग करने भी नहीं उतर पाए। लेकिन अब यह डिस्कवर किया गया है कि शिखर धवन के हाथ में फ्रैक्चर है। हमारे इंग्लैंड से सहयोगी विक्रांत गुप्ता ये जानकारी दे रहे थे अभी और अब शिखर धवन नहीं खेल पाएंगे 3 हफ्ते के लिए वर्ल्ड कप मैच। विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लंदन से है। विक्रांत, जिन जिन दर्शकों ने अभी अभी हमारे साथ ज्वाइन किया है उनके लिए मैं जानना चाहूंगा पूरी खबर एक बार फिर से बताइए। अब पिछले मैच में आपने देखा था निशान की बैटिंग करते वक्त उनको हाथ पर गेंद लगा था। उस वक्त क्या होता है कि जब आपको गेंद लगता है अंदाजा नहीं होता कि वो कितना सीरियस है और उसके बाद आपको स्प्रे दे दिया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेशन टैबलेट्स दे दिए जाते हैं और उन्होंने बैटिंग की, बैटिंग करके उन्होंने 100 भी बनाए। लेकिन जो इम्पैक्ट होता है वो उसके बाद होता है और जब आप देखते हैं कि सोजिश जो है बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब है कि ये फ्रैक्चर हो सकता है। और कल वहाँ पर स्कैन किया गया, एक्सरे किया गया और जो रिपोर्ट आई है वो अच्छी नहीं है, वो यही है कि उनको फ्रैक्चर है। जैसे आप कह रहे थे कम से कम 3 हफ्ते, 3 हफ्ते और 4 हफ्ते भी हो सकते हैं अगर वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं, यानी कि वो पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं। 3 हफ्ते आप अगर नहीं खेल पाएंगे इसका मतलब आप वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। आज 11 जून है और आज से ठीक 1 महीने बाद इस वर्ल्ड कप का फाइनल है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि चलो ठीक है आप को हम देखते हैं, आप टीम के साथ रहें। तो शिखर धवन इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, ऐसे में ओपनिंग पेयर क्या होगा विक्रांत? दो सवाल आपने अभी पूछे थे, अब ऐसे में ओपनिंग पेयर क्या होगा? मुझे लगता है कि वो तो केएल राहुल और रोहित शर्मा ओपन करेंगे क्योंकि केएल राहुल सलामी बल्लेबाज हैं, वो बीच में खेल रहे थे, नंबर 4 खेल रहे थे, तो केएल राहुल और रोहित शर्मा ओपन करेंगे। लेकिन सवाल ये आ जाता है कि अब शिखर धवन का रिप्लेसमेंट क्या होगा? मोस्ट लाइकली हो सकता है कि दिल्ली डेयरडेविल्स के जो कप्तान थे श्रेयस अय्यर, वो हो सकते हैं या फिर ऋषभ पंत हो सकते हैं। दोनों में से किसी एक प्लेयर को बुलाया जाएगा और वो उस प्लेयर को मिडल ऑर्डर के लिए बुलाया जाएगा। नहीं, लेकिन जो आप जानकारी दे रहे हैं क्या इसका मतलब ये समझा जाए विक्रांत के शिखर धवन अब टीम इंडिया के साथ भी नहीं होंगे, वो वापस आ जाएंगे? हाँ, या फिर ये समझा जाए कि वो टीम इंडिया के साथ रहेंगे लेकिन उनका एक प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट आ जाएगा? नहीं, देखिए ये बायलैटरल सीरीज नहीं है। बायलैटरल क्रिकेट में आप जो मर्जी जब मर्जी जैसे मर्जी कर सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में या तो आप एक रिस्क लेते हैं कि नहीं ये टीम में ही रहेंगे, हमें रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए, लेकिन द मोमेंट आप एक रिप्लेसमेंट मांगते हैं तो फिर उसके बाद आप दोबारा उसको रिवोक नहीं कर सकते। तो इंडियन टीम ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट मांगेगी ही,